अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज मैं रिव्यू कर रहा हूं गैलेक्सी A31 का। रिसेंटली मेरे लाइन से सैमसंग गैलेक्सी की जो तीन डिवाइसेज आई थी, इन तीनों के रिव्यू किए हैं। गैलेक्सी A21S का सबसे पहले किया था, फिर गैलेक्सी A11 का किया और आज हम करेंगे गैलेक्सी A31 का रिव्यू। प्राइजेस को लेकर थोड़ा सा रिवाइज करने के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था सैमसंग को, प्राइजेस के हवाले सोचना चाहिए कि डिवाइसेज बहुत अच्छी होती हैं सैमसंग की, बिल्ड क्वालिटी वगैरह बस, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सैमसंग को प्राइजेस को लेकर यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो कम प्राइजेस के अंदर स्पेक्स दे रहे होते हैं। तो सैमसंग ने यहाँ पे रिसेंटली किया भी है, कल ही मैंने गैलेक्सी A11 का रिव्यू किया है, 26,000 रुपीज़ की डिवाइस थी और आज उसकी प्राइस रिवाइज हो गई है, 22,000 रुपीज़ कर दी गई है सैमसंग गैलेक्सी A11 की प्राइस। तो 22,000 में बहुत अच्छी डिवाइस है गैलेक्सी A11। मैंने कल ही आपको कहा था कि अगर सैमसंग रिवाइज करता है तो बहुत अच्छी डिवाइस होगी। आज देखते हैं A31 को रिव्यू करेंगे, 42,000 रुपीज़ की डिवाइस है, 4GB विद 128GB रोम का वेरियंट, स्पेक्स आ रही अच्छी हैं और देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस होगी, कैमरा रिजल्ट कैसा है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं रिव्यू, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले चेक करेंगे इस डिवाइस का डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी सैमसंग की हर दफ़ा मैं आपको बताता रहा हूँ काफ़ी अच्छी होती है, सैमसंग के जो ब्रांड है वो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी मशहूर है और अच्छी डिवाइसेस बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सैमसंग गैलेक्सी A31 मिल रहा है 6.4 इंच का डिस्प्ले है और यहाँ पे फुल HD+ डिस्प्ले मिल रहा है, यानी 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन होगा, 411 PPI की पिक्सल डेंसिटी है और इसी तरह यहाँ पे डिस्प्ले टाइप सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस प्राइस रेंज के अंदर हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है। सैमसंग के डिस्प्लेज काफ़ी अच्छे होते हैं, सुपर अमोल्ड डिस्प्ले सैमसंग का सबसे बेहतरीन होता है। यहाँ पे 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, बेजल्स ना होने के बराबर हैं, बहुत छोटी सी नीचे चिन है और वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है, वाटर ड्रॉप या डॉट ड्रॉप नॉच कह सकते हैं आप, बहुत स्मॉल एरिया है नॉच का। 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। फ्रंट साइड पे ग्लास की यहाँ पे क्वालिटी मेंशन नहीं की गई कौन सी ग्लास लगाई गई है, बैक साइड इसकी प्लास्टिक की है फ्रेम और इसका बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, एल शेप में 4 कैमरे लगाए गए हैं। फ्रंट साइड पे ये नॉच नंबर मिल रही है, डॉट डॉप नॉच मिल रही है जिसको सैमसंग कहता है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले नाम कहता है सैमसंग इसको। तो डिस्प्ले यहाँ पे ब्राइटनेस भी आप देख सकते हैं, मैंने ब्राइटनेस फुल की हुई है, कलर्स काफी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात है टच बहुत स्मूथ है इसका, टच करने में बहुत मजा आ रहा है डिवाइस को, स्मूथ टच है। 3 कलर्स में आई है डिवाइस, प्रिज्म क्रश ब्लैक, प्रिज्म क्रश ब्लू और प्रिज्म क्रश व्हाइट। ये मेरे पास जो इस वक्त कलर है ये प्रिज्म क्रश ब्लू कलर है, आज हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। राइट साइड पे इसमें वॉल्यूम रोकर्स मिल रहे हैं, अप साइड पे आपको एयर पीस मिल रहा है, लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे लगाई गई है जिसमें 3 कार्ड स्लॉट है, डाउन साइड पे स्पीकर मिल रहे हैं, टाइप सी कनेक्टिविटी, ऑडियो जैक 3.5 mm का। तो डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस मुझे पसंद आई है। और इसके अलावा बात करेंगे डिवाइस की कैमराज की, कैमराज में 20 MP का फ्रंट कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पर 20 MP का कैमरा विद सुपर अमोल्ड डिस्प्ले काफी जबरदस्त रिजल्ट होने वाला है, पिक्चर्स भी शेयर करता हूँ आप लोग साथ। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 48 MP का मेन कैमरा विद अपर्चर F2.0, 8 MP का अल्ट्रा वाइड विद अपर्चर F2.2, 5 MP का मैक्रो कैमरा विद अपर्चर F2.4, मैक्रो कैमरा भी 5 MP का है, डेप्थ सेंसर भी 5 MP का है विद अपर्चर F2.4। तो ये 4 कैमरे मिल रहे हैं, बाकी के 3 कैमरे कंपलसरी हैं 48 MP के मेन के साथ, डेप्थ सेंसर, मैक्रो और अल्ट्रा वाइड। इसके अंदर 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिलने वाली है 30 FPS पे। और कैमरा रिजल्ट चेक करते हैं, कैमरा रिजल्ट की कुछ पिक्चर्स शेयर करता हूँ, फ्रंट कैमरा बैक कैमरे से ली गई। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, बैक कैमरे से ली गई पिक्चर है, ये नॉर्मल मोड पे ली गई पिक्चर है और इसी के साथ अल्ट्रा वाइड एंगल पे ली गई पिक्चर है। आप देखें कितना बड़ा एरिया कैप्चर किया है, जो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है हमें, ये नॉर्मल मोड पे है और ये अल्ट्रा वाइड पे है, काफ़ी बड़ा एरिया कैप्चर किया अल्ट्रा वाइड ने। और इसके अलावा ये एक मैक्रो शॉट लिया गया है बहुत करीब से फ्लैग पे, आप देख सकते हैं एक एक धागा आपको नज़र आ रहा होगा फ्लैग का, बहुत करीब से लिया गया शॉट है ये, बैक साइड थोड़ा दूर से लिया हुआ शॉट है। और इसके अलावा कुछ मैंने शॉट लिए हैं लाइव फोकस पे, आप ये देखें लाइव फोकस पे शॉट लिया है और मैंने बैकग्राउंड पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बढ़ाए हैं, 2-3 फ्लावर्स रखे हैं, फ्लैग रखा है, लेकिन इसने जो फोकस किया है सिर्फ हमें सब्जेक्ट को फोकस किया है और इसके अलावा पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको काफ़ी ज़बरदस्त ब्लर किया है। हालांकि दूसरे कुछ ब्रांड्स जो होते हैं मोबाइल, वो अक्सर जब पीछे बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो वो उसको फोकस नहीं कर, उसको भी फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट को फोकस किया है, बाकी बैकग्राउंड बाहर की काफ़ी ज़बरदस्त ब्लर किया है लाइव फोकस के थ्रू। और ये कुछ मैक्रो शॉट्स और हैं, फ्लावर को देखें कितना ज़बरदस्त कैप्चर किया है, ये भी एक मैक्रो शॉट है, बहुत प्यारी पिक्चर है, कलर्स और इतना करीब से ली है, एक चीज़ आपको आवाज़ें नज़र आ रही होगी इस पिक्चर में, कलर्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे इसमें, आपको ऑरेंज कलर भी है, येलो कलर भी है, ग्रीन भी है,
और इसके अलावा आपको पर्पल कलर भी दिखेगा, पिंक कलर। काफी अच्छी पिक्चर है, कलर सारे ओरिजिनल हैं। ये फ्रंट कैमरे से ली गई पिक्चर है, फ्रंट कैमरे पे आप देख सकते हैं। वाइड एंगल का ऑप्शन भी मिलेगा यहाँ पे, फ्रंट एंगल वाइड एंगल फ्रंट कैमरे पे वाइडर सेल्फीज के लिए। और ये है लाइव फोकस का ऑप्शन, बैकग्राउंड काफी जबरदस्त ब्लर किया है। लाइव फोकस के अंदर भी आपको लाइव फोकस में भी वाइडर का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी वाइडर सेल्फी ले सकते हैं, बड़ी सेल्फी ले सकते हैं। तो कैमरा रिजल्ट मुझे काफी पसंद आया, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं, मैक्रो शॉट काफी अच्छे थे, और इसके साथ ही अल्ट्रा वाइड के अंदर भी काफी बड़ा एरिया कैप्चर किया सैमसंग गैलेक्सी A31 ने। आप चेक करते हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी होगी। चिपसेट मिल रही है मीडियाटेक हेलियो P65 की, पावरफुल चिपसेट है। 2 GHz का ऑक्टाकोर सीपीयू मिलेगा, 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, और इसके अलावा 3 कार्ड स्लॉट भी मिल रही है, यानी 128GB की रोम को स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा के 2 नैनो सिम लग सकती हैं एक साथ। परफॉर्मेंस कैसी है P65 की चेक करते हैं। गेमिंग कुछ में कुछ इंस्टॉल की है, स्प्लिट 9 मैंने यहाँ पे इंस्टॉल की है, इसको चेक करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल है, चेक करेंगे कैसी ग्राफिक होगी, कैसी परफॉर्मेंस होगी। माली G52 का GPU मिल रहा है, ग्राफिक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो देखते हैं कैसी होती ग्राफिक। इस पर मैंने स्प्लिट 9 खेली, बड़ी ज़बरदस्त स्मूथ चल रही है गेम, ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी थी, कोई हैंगिंग लगिंग हमें यहाँ पे नहीं मिली डिवाइस के अंदर, स्प्लिट 9 काफ़ी स्मूथ चल रही है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेली, इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी ग्राफिक काफ़ी अच्छी थी, आपने देखा कलर्स बहुत अच्छे हैं, कोई हैंगिंग नहीं मिली डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छी डिवाइस है मीडियाटेक हेलियो P65 की चिपसेट। इसके अलावा इस डिवाइस में 5000 mAh की बैटरी भी मिल रही है, तो ये भी अच्छी बात है, बड़ी बैटरी मिल रही है विद 15W फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे आपको टाइप सी कनेक्टिविटी भी मिलेगी, 15W का चार्जर और द बॉक्स आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। ड्रेन टेस्ट भी करेंगे इसका, चार्ज टेस्ट भी करेंगे इसका अलग से वीडियो में। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले। एंड्रॉयड 10 पे आती है डिवाइस आउट द बॉक्स, One UI 2.1 मिल रहा है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है सैमसंग की तरफ से और यहाँ पे एंड्रॉयड की तरफ से भी। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है, यहाँ पे फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल रही है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को टेस्ट भी करते हैं। इस पर मैंने अपनी फिंगर इनरोल कर ली है, तो यहाँ पे फिंगर इनरोल कर चुका हूँ, देखते हैं कैसी स्पीड है। फर्स्ट टाइम पे तो उन्होंने जल्दी लॉक कर दिया, देखते हैं, थोड़ा सा रीडिंग में टाइम ले रहा है। अच्छा ऑफ स्क्रीन पे भी देखते हैं, अभी तुमने ऑन स्क्रीन पे देखा, ऑफ स्क्रीन पे थोड़ा ज़रा टाइम ले रहा है। सैमसंग के फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले काफ़ी स्लो होते हैं, सैमसंग को इस पर काम करने की ज़रूरत है, एवरेज स्पीड है। तो ये था सैमसंग गैलेक्सी A31 का रिव्यू, और यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले बात करी हमने डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, जिसमें मुझे ये डिवाइस पसंद आई। सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रहा है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टच काफ़ी स्मूथ है। तो डिस्प्ले टाइप मुझे पसंद आया डिवाइस का, डिस्प्ले बिल्ड डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। डिज़ाइन भी यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है सैमसंग ने, खूबसूरत लग रही है डिवाइस, 3 कलर्स में है। मेरे पास जो ब्लू कलर है ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं, कैमराज हमने डिस्कस किए, फ्रंट साइड 20 MP कैमरा, वाइडर सेल्फी का ऑप्शन भी मिल रहा है, 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है, बैक साइड पे 48 MP क्वाड कैमरा सेटअप काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, ओरिजिनल पिक्चर्स ओरिजिनल कलर के साथ, और सुपर अमोल्ड डिस्प्ले को काफ़ी अच्छा दिखाता है, तो कैमरा रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस देखी हमने, तो परफॉर्मेंस भी P65 की अच्छी रही, कॉल ऑफ ड्यूटी भी काफ़ी स्मूथ चला, ग्राफिक काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा स्प्लिट 9 में कोई हैंगिंग नहीं मिली, कोई लगिंग नहीं मिली हमें, गेम स्मूथ चल रही थी इसके अलावा इसमें, और बैटरी भी बड़ी मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी है विद 15W फास्ट चार्जिंग, टाइप सी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर भी अपडेट है, एंड्रॉइड 10 लेटेस्ट अपडेट सिस्टम मिला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, बस यहाँ पे डिस्प्ले सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर ने थोड़ा सा डिसपॉइंट किया, स्लो है सैमसंग के, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर स्लो होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सैमसंग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पे काम करने की जरूरत है। बाकी प्राइस की बात करें तो 42,000 rupees की प्राइस में लॉन्च किया गया है, आई थिंक अगर दूसरे ब्रांड से कंपेयर करते हैं तो इस प्राइस रेंज के अंदर सही डिवाइस है 42,000 rupees में, आपको आफ्टर डिस्काउंट 39,000 या 40,000 की मिल जाती है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरी डिवाइस के साथ, तो ओवरऑल में सैमसंग की बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले और सैमसंग के कैमरास काफ़ी अच्छे होते हैं, तो मैं आपको इस डिवाइस को रिकमेंड कर सकता हूँ। आप लोग ही क्या रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।